देहरादून की श्रीमती शाह को बाबा की महासमाधि का दुखद समाचार काफ़ी देर से मिला। वो अपनी बेटी को लेकर देहरादून से वृंदावन को चल पड़ी ताकि बाबा के अंतिम दर्शन हो जाएं। वो दोनों जिस बस में सवार हुई उसे अधिक से अधिक शाम 5 बजे तक मथुरा पहुंच जाना था, परंतु जब बस रुकते रुकते मथुरा पहुंची तो रात्रि के 9:30 बज चुके थे। वृंदावन जाने वाली आखिरी बस भी जा चुकी थी। श्रीमती शाह बहुत चिंतित हो गईं कि बेटी के साथ अब वो रात में कैसे वृंदावन जाएंगी। लेकिन बाबा की लीला से उस दिन 9 बजे से पहले वृंदावन पहुंचने वाली एटा वृंदावन बस बहुत लेट हो गई। जब बस मथुरा पहुंची तो एक अपरिचित व्यक्ति आया और श्रीमती शाह से बोला, ये बस वृंदावन जा रही है, इसमें बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने कैसे जाना कि उनको वृंदावन जाना है? माँ बेटी बस में बैठ गई। उस व्यक्ति ने उनके हाथ में 2 टिकट पकड़ाए और कहा कि अटल्ला चौकी पर उतर जाना और सीधे आश्रम चले जाना। जब श्रीमती शाह ने अपना सामान रखने के लिए के बाद उस व्यक्ति को टिकट के पैसे देने के लिए मुड़ी तो व्यक्ति गायब हो चुका था। श्रीमती शाह सोचने लगी, कौन हो सकता है वो व्यक्ति जो उनकी सहायता करने आया? वो स्वयं बाबा ही तो नहीं थे? जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।